वेलकम बैक तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है पीएम मोदी होस्ट प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया एट हैदराबाद हाउस इन दिल्ली। चलो देखते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, देखते हैं कि कैसे मतलब मिलते कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, एक दूसरे के मिलने से बहुत आप जज कर सकते हो कैसे मिलते हैं, क्या हो रहा है, कैसे इंटरेक्शन हो रही है। तो दोस्तों की तरह होता है कि फॉर्मल होता है, किस टाइप का? नहीं, फॉर्मल तो नहीं होगा, मुझे भी यही लगता है नहीं होने वाला, पर मजा आएगा देखने में। तो चलो शुरू करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस है। क्या सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है यार। ओए अंदर भी दिखा रहे हैं, वेरी नाइस। और मेघना एक बार फिर से लौटते हैं आपकी तरफ, तो एक नए अध्याय का आगाज हो रहा है आज भारत और रूस के संबंधों में। इतनी तेज क्यों चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं ना, धीरे धीरे बातें भी हो रही है कुछ। मेघना अगर आप हमें सुन पा रही हैं? जी रजनी, देखिए ये बहुत ही अहम, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जब भी दोनों पक्षों के नेता मिलते हैं, जब भी दोनों लीडर मिलते हैं तो बेहद गर्मजोशी नजर आती है, तो मीडिया के लिए कुछ। अरे यार बड़ा छोटा वीडियो था यार, पर बड़ा मजेदार था, मजा ही आ गया यार। सबसे पहले जैसे उन्होंने दिखाया ना आते हुए, ओए होए क्या एक्सप्रेशंस थे यारों जैसे, और दोनों का चलने का स्टाइल भी ऐसे था, यूं वाह, मैं वही देख रही थी, मैंने कहा दोनों चल भी एक जैसे रहे हैं, वैसे पैर जैसे करते ना थोड़ा सा वाइड करके और उस टाइप से, मैंने कहा ये तो इनके चलने का भी ढंग एक जैसा लग रहा है। और स्माइल इतनी अच्छी थी दोनों की, आई मीन दे वर लाइक बिल्कुल जैसे घर जैसा माहौल होता है ना, ये नहीं कि भैया फॉर्मूले में, बताए सच्ची बताऊं मैं कंपेयर कर रही थी कि अच्छा जब मोदी जी अभी आए थे यहाँ यूएसए में इनसे मिलने, क्या नाम है अपने अपने प्रेसिडेंट का, क्या नाम है यहाँ यूएसए का, बाइडेन का, जब बाइडेन से मिलने आए थे तब के एक्सप्रेशंस और जैसे मिले थे शुरू शुरू में वो थोड़ा फॉर्मल टाइप लग रहा था मुझे, चाहे उसके बाद जब वो वहां पे बैठे थे जो बात करते हैं मीडिया से तब वो थोड़ा अच्छा हो गया था तब तक, पर शुरू शुरू में ऐसे लग रहा था कि थोड़ा फॉर्मल मुझे फील हो रहा था, चाहे ना भी हो, पर इसमें तो यार बड़े मजेदार था। मोदी जी के एक्सप्रेशन देखे थे, क्या स्माइल हो रही है और इतने कंफर्टेबली, अच्छा अभी यहाँ पे देखना, अच्छा फिर ऐसे हैंडशेक कर लेते हैं, बहुत मजेदार था ये। और उसके बाद जब मैंने सोचा बस खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने पूरा दिखाया कि अंदर तक भी जाते थे, वो बहुत अच्छा था। और इतना सुंदर लग रहा था ना जैसे एंट्रेंस दिखाई उन्होंने, इतने वहां पे सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं इंडिया का और इनका रशिया का, वो फ्लैग्स लगे हुए हैं और साथ में ऐसे पूरा उनका वो जाने का जो रास्ता है सीढ़ियां और वो दरवाजा, और पूरा जाते हुए दिखाया, फिर वो अंदर गए तो उस एंगल से भी दिखाया, और जब अंदर गए वह मोदी जी थोड़े सीरियस हो गए थे, वो मतलब आप वो सोच रहे होंगे ना कि अब नेक्स्ट अब बातें करनी है कहाँ पे जाना है, फिर जब उस रूम तक पहुंचे तो उन्होंने किसी से पूछा भी था यहीं जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो कहीं किसी ने बोला यस तो फिर वो उधर उनको लेके गए हैं। पर बहुत मजेदार लग रहा था जिस तरह से आ रहे थे मोदी जी, वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इतने मतलब कॉन्फिडेंटली थे, वो कह रहे थे आओ भैया आज बातें करेंगे, ऐसे लग रहा है आज मिलेंगे तो यार, पर दिस वाज वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा वीडियो था। अब बस यही है कि कुछ अच्छी टॉक्स हो जाए, फ्रूटफुल हो, और जो भी इंडिया के बेनिफिट पे हो उसके हिसाब से बातचीत हो कि इंडिया को फायदा हो जाए, मजा आ जाए। राइट, अब रशिया से इंडिया जो है मतलब कब से कोलैबोरेट कर रहा है, कोई 70 साल से होता है, सो 70 ईयर्स से आप रशिया से कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, आप आर्म्स एमिनेशन ले रहे हैं रशिया से 70 साल से होता है, और उतने समय में एक समय जब कोलैबोरेट करते थे रशिया कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था, बहुत ही पावरफुल था, अब धीरे धीरे 70 साल में रशिया सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया, रशिया थोड़ा छोटा हो गया फिर भी बहुत बड़ा है, और रशिया का GDP जो है इंडिया से काफ़ी कम हो गया, राइट, तो 70 साल में इतना चेंज आया है कि बहुत ही सोवियत यूनियन इंडिया ऊपर जा रहा है, सोवियत यूनियन जो पावरफुल था और
1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ था, कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड करिए 70 साल, और आपको नज़र आता है कि इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है रशिया से, और इंडिया बहुत, तो एक ये कमाल की बात है। दूसरा, अब अगर आप यूएस को देखेंगे तो यूएस जो है इंडिया से क्लोज आना शुरू हुआ है पिछले 10 साल पहले, 10-15 साल कह लीजिए, 10-15 साल पहले यूएस धीरे धीरे अपने आप को अलाइन कर रहा है इंडिया के बट साथ, जैसे मेन जैसे मेन चाइना तो ऊपर उठा। क्लोज तो अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ है, 10 साल का कम ही हुआ है। इसीलिए अगर आप पीछे से स्ट्रेटजी जब चल रही होती है, क्लिंटन जब गए, क्लिंटन जब गए थे वहां पे इंडिया, तब बस हुआ था, थोड़ा लगा था हाँ, तो वही रिलेशनशिप 10 साल बेटर तो हुआ इजिली हो गए है। हैं। तो 10 साल आप कह लीजिए, 10-15 साल कह लीजिए, वहां से हाँ, और वो इतने यूएस को नजर आने लग गया था कि चाइना आगे उठ रहा है, पाकिस्तान गड़बड़ी कर रहा है, और अब जरूरत आगे नया एलआई की, और वो होगा इंडिया। तो वो शुरू हो गए थे 10-15 साल पहले, और यहाँ पे रशिया को 70 साल से कोलैबोरेशन है, जबकि रशिया भी जो है अभी थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि उसको भी अब चाइना का साथ चाहिए। वो बोल रहा है कि चाइना के साथ हम मिलिट्री अलायंस इकट्ठे कर देंगे नेटो के अगेंस्ट। सो बहुत कुछ रीअलाइनमेंट चल रही है, मगर दोस्ती वाली बात बता रहा हूं कि 70 साल से जिसे जानते हैं वर्सेस 10 साल 15 साल जानते हैं, फर्क तो आपको नजर आएगा। अब सिर्फ देखना यह है, एंड ऑफ द डे हर कंट्री को अपना ही बचाव करना होता वो है, तो है। और अभी आपको जो जहां बेनिफिट हो रहा है वहां पे डील करते हैं। हर नेगोशिएशन में, हर डील में दोनों का बेनिफिट होता है। वो लोग अपने वेपन्स बेच के अपनी इकोनॉमी बचा रहे हैं, हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि ना वेपन्स हो कि हम चाइना को काउंटर कर सकें। हर एक का अपना मतलब है, वो तो है। एक बंदा खरीद रहा है क्योंकि जरूरत है किसी और को काउंटर करने में, वो ले रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और नंबर वन है वेपन्स में, नंबर टू है, नंबर वन है वेपन्स में, तो वो लोग बेच रहे हैं जो कमोडिटी में बेस्ट है कि उनको अपनी इकोनॉमी चलानी है। तो हर बंदा अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, और उससे जो है काफी अच्छा लग रहा है कि मिस्टर पुतिन आए हैं। ये मेरे ख्याल से S-400 की के लिए बात करने आए होंगे। आई होप कि ऐसी भी बातें हों कि S-600 में या जो भी फ्यूचर आएगा उसमें कोलैबोरेशन हो जाए साथ में, कुछ जैसे ब्रह्मोस का हुआ है, तो फ्रेमवर्क सारा रेडी है कि कैसे कोलैबोरेट करके आपने ब्रह्मोस बनाया, उसी फ्रेमवर्क से आप S-400 या X-600 भी कह रहे हैं, आ चुका है, ऑलमोस्ट आने वाला है, आ चुका है, इसका मतलब S-600 पे ही पॉसिबिलिटी है। और स्पेस में रशिया बहुत आगे है, तो मेरे ख्याल से वो भी कोलैबोरेट होगा। तो मेरे ख्याल से आने का मतलब यही है कि बहुत सारी बातचीत होनी थी जो फोन वगैरह ये सब नहीं हो जूम वूम, सकती, मतलब ऐसे रिमोटली नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। तो कोई काफी अच्छा वीडियो बहुत था। बड़ी बड़ी डील्स होंगी, कुछ इस टाइप से होगा। मोदी जी प्रिपेयर थे क्योंकि वो अंदर घुसते ही सीरियस हो गए थे कि अब मैंने ये बातों से ये डीलिंग डील्स करनी है, तो वो उस मोड में जा चुके थे। आपने अगर देखा होगा उनका एक्सप्रेशन, वो काम के मोड में, सीरियसनेस के मोड में चले गए थे कि अब हम काम पे लग रहे हैं। और इसलिए बड़ी सीरियस उन्होंने पूछा था कमरा कौन सा है, चलो चलो उस कमरे में, अब आएगी असली बात। तो मोदी जी मगर ऑलरेडी नोस की हाँ, क्या क्या बातें करनी थोड़ी है। मतलब टेंशन थोड़ी रहेगी, क्योंकि अगर इंडिया यूएस के तरफ जाता है तो रशिया को प्रॉब्लम आएगी। तो हो अब सकता है देखना, रशिया कोशिश करेगा कि भैया मैं हमारे साथ ही रहो, वही अब ऐसी कोई अच्छी देखना डील दे यही है दे। कि किस तरीके से डायनेमिक्स पूरा प्ले आउट होता है। हाँ चलो, पर वीडियो बड़ा प्यारा था, मजेदार था, अच्छा लगा देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।